नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। 1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, कहा शिक्षा मंत्री ने। राज्य राजमार्ग संख्या 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित। आधार वोटर कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार जल्द ही हरियाणा के 1 लाख प्रतिभावान बेरोजगारों को नौकरियां देंगी। ये नौकरियां विभिन्न विभागों में होंगी। ये बात शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में कही। मंत्री रोजगार पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा किया गया, जबकि वर्तमान सरकार योग्यता के आधार पर नौकरियां देंगी। 2013 और 2010 में मान्यवर शिक्षक भर्ती की गई, जो शिक्षक भर्ती के लिए चयन कमीशन बनाया गया उसके मेंबर उस कमेटी के मेंबर बनने का पात्रता नहीं रखते थे, और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी इस 4 महीने की सरकार ने 1058 ऐसे अध्यापक भर्ती हुए जिनका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, जिनके हाथ के अंगूठे की जगह पांव का अंगूठा मिला, और उनका जो अनुभव सर्टिफिकेट था जिस संस्था में वेरिफिकेशन के लिए गया उस नाम का कोई विद्यालय नहीं मिला। शकुंतला जी, उस नाम का कोई विद्यालय नहीं मिला मान्यवर। उसके बाद 2013 की भर्ती में, और उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आपने अब तक हटाया क्यों नहीं। मान्यवर, ऐसे फर्जीवाड़े के ऊपर भर्ती किया है, क्या मान्यवर हम भी उस फर्जीवाड़े को अपना। आने वाले दिनों में हरियाणा में लगभग 1 लाख लोग जो योग्य हैं, जो प्रतिभा रखते हैं, चाहे वो अध्यापक हो चाहे पुलिस के जवान हो, इस तरह के लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों को देने वाले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन को अवगत करवाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सीमा से कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हांसी राज्य राजमार्ग संख्या 17 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि 6 जनवरी को उन्होंने स्वयं इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी को अर्ध सरकारी पत्र लिखकर इसकी मांग की थी, जिनका जवाब आज उन्हें मिल गया है, जिसमें कहा गया कि आपके प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। सदन में मुख्यमंत्री के वक्तव्य का सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाकर स्वागत किया गया। अपने केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने उनको लिखा कि हमारी जो कोटपुतली से लेकर और हांसी तक का मार्ग, कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हांसी, इसको नेशनल हाईवे बनाया जाए, और मैं प्रसन्नता से आपके सामने सूचना दे रहा हूँ कि आज उनका पत्र मिला है। द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड एंड द रिक्विजिट नोटिफिकेशन इज अंडर पब्लिकेशन, इसलिए आपको जानना। हरियाणा के स्वास्थ्य और निर्वाचन मंत्री अनिल विज ने अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करवाकर आधार वोटर कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस प्रक्रिया के तहत वोटर 31 जुलाई तक अपने आधार को वोटर कार्ड से पंजीकरण करवा सकेंगे। इस अवसर पर विज ने कहा कि चुनाव आयोग की एक अच्छी शुरुआत है। वोटर पंजीकरण के पश्चात चुनाव में नकली, फर्जी तथा जाली वोटों का प्रयोग करने वाले लोगों पर रोक लगेगी। इसके लिए लोगों को जागरूक करने व अन्य सुविधाओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा, तथा आयोग के BLO व अन्य अधिकारी घर घर जाकर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। चुनाव आयोग ने ये एक बहुत अच्छी योजना आरम्भ की है, क्योंकि समय समय पर ऐसी आपत्तियाँ उठाई जाती रही हैं कि डुप्लीकेट वोट्स बनी हुई हैं, जाली वोट बनी हुई हैं, नकली वोट्स बनी हुई हैं, तो इसलिए मुख्य चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि वोटर नंबर को आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो उसी के तहत आज मैंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, और मैं हरियाणा की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसकी पोर्टल भी है, उस पर जाके भी वो कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारा डिपार्टमेंट भी सब जगह पर जाके कैंप भी लगाएगा, और BLO भी जाके सबको
कहेंगे कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो वोटर नंबर के साथ कनेक्ट कराएं। इससे बहुत बड़ी संख्या में जो डुप्लीकेट वोट्स का लोगों ने जाल बिछा रखा है, कुछ लोगों ने जाल बिछा रखा है, और हमारे हरियाणा में तो केस भी चल रहा है डुप्लीकेट वोट्स का, वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और इस तरफ से पूरी तरह से सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि किसी की भी दो जगह पर वोट नहीं हो सकती। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।